अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बाम की बिरयानी। तो बाम को हमने अच्छे तरीके से धो लिया है, उसको नींबू भी लगा के रख दिया था। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। इन सब चीज़ों को ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स करके, और इसमें हमने लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट भी इसमें हम ऐड कर देंगे। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे और दही को भी ऐड कर देंगे इसमें। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके हम इसको फ्रिज में रख देंगे, और थोड़ा सा लेमू, आधा लेमू भी डाल देंगे इसमें। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके फ्रिज में हम रख देंगे, और थोड़ा सा वीआईपी मसाला भी डाल देंगे ताकि इसमें खुशबू अच्छे तरीके से जज्ब कर जाए, ताकि बिरयानी का मज़ा और टेस्टी हो जाए और ज़्यादा अच्छा। चावल को हमने धोकर रख लिए हैं, 10 मिनट के लिए छोड़ दिए थे। अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। इसमें हमने नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, अब हम मसाले को तल लेंगे। सबसे पहले ऑयल डालकर गरम मसाला ऐड कर दिया था, प्याज को तल लेंगे ब्राउन होने तक। प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब हमें इसमें जो मसाला हमने उस फिश में डाल के रखा हुआ था वो सब हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से तलेंगे इसको। बाम के लिए अच्छी तरीके से तलेंगे। बाम का जो गोश्त होता है वो अच्छा, मतलब कड़क सा होता है, गलता नहीं है, इसलिए इसकी बिरयानी आसानी से अच्छी तरीके से बन जाती है, बोटी की तरह रहती। तो बाम की बिरयानी बहुत अच्छी बनती। अच्छे तरीके से भुन गया है हमारा पूरा मसाला, देखिए। बाम भी फ्राई हो चुकी है। ऑयल बाहर आ चुका है, बाहर निकलने लगा है ऑयल, तो समझ लो बाम अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अब हम मसाले को साइड में रख देंगे गैस बंद करके। अब हम इस जो चावल रखे हुए थे उसमें तेल लगाएंगे।
चावल हमारे बॉयल हो चुके थे, अब हम इसको तेल लगाएंगे। पहले चावल की तेल लगा देंगे, उसके बाद जो हमारा मसाला रखा हुआ है बाम का, बाम के साथ बीच बीच में इसको रखते जाएंगे, बाम के पीस को और पूरे मसाले को। और फिर इसके ऊपर चावल डाल देंगे। चावल थोड़े से कनी रहे बस उतने पे हमें तेल लगाना है। ये देखिए हमारी बिरयानी की तेल लग चुकी है, देखिए कितनी अच्छी है। अब हम इसके ऊपर एक चावल की तेल और लगाकर इसमें ज़ाफ़रानी रंग डाल देंगे और थोड़ा सा ऑयल और डाल देंगे और कुकर का ढक्कन लगा देंगे और बस 10-15 मिनट के लिए रख देंगे धीमी आंच पे। हमारी बिरयानी तैयार है, बहुत ही टेस्टी टेस्टी लाजवाब डिलीशियस बिरयानी हमारी बनकर तैयार है। अब हम इसको सर्व कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।